बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़िर मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ जामेतुर रशीद में तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। तारुफ़ के लिए ज़ाहिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म से आप हमें सुन रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है। मज़ीद तारुफ़ हम उनसे लेंगे, लेकिन उनकी जो पहचान है या वजह शोहरत है, वो मुख्तलिफ ममालिक का वो सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ शहरों का वो सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे वो जाते हैं और वहाँ से वो जो हमारी हिस्ट्री है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है ख़ास तौर पर, उसको उजागर करते हैं और हमसे शेयर करते हैं। उनका बहुत बड़ा एहसान भी है हम सब के ऊपर। तो आज जामेतुर रशीद, वो पाकिस्तान के विज़िट पर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो जामेतुर रशीद की दावत पर वो जामेतुर रशीद में हैं, उनका बहुत खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, मैं सबसे पहले माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे पता है चूंकि आप उसी तरफ जाएंगे गुफ्तगु को लेकर, मैं सबसे पहले लेकिन आपसे सवाल जो करूँगा वो ये कि हमारे नाज़रीन के लिए अपना ज़रा तारुफ ज़रूर करवाएं कि आप कैसे, कहाँ, कब से बाहर हैं और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है, पूरा ज़रा, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस को आगे लेकर। क्रेडिट तो मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब मुद्दज़िलुल आली को जाता है कि उनकी स्पेशल दावत पर मैं आज जामेतुर रशीद आया, और जामेतुर रशीद को मैंने बड़े डिटेल के साथ देखा, मुफ्ती साहब के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। माशाल्लाह पर्सनली मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, और मैं उनका काम तो देख ही रहा था, जामेतुर रशीद का काम भी, लेकिन आज आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी सी मायूसी मेरे अंदर आ रही थी, तो वो आज मायूसी ख़त्म हो गई, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक रोशन मुस्तकबिल हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, और उसकी जो एक किरणें हैं वो जामेतुर रशीद से निकल रही हैं और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फैलेंगी। दूसरा सवाल आपका ये कि मेरी ज़ात के हवाले से, मैं कराची में ही पैदा हुआ, कराची का, आई एम अ सन ऑफ कराची पाकिस्तान। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं कोई किसी और मुल्क का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हुआ, और मेरी जो सारी तालीम है कराची में हुई, माहदुल खलील और बिन नूरी टाउन के अंदर, और बस यही मेरा तारुफ है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को शोहरत देता है, इज़्ज़त देता है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है, बस अल्लाह का फ़ज़ल है। हमने तो ये सोच के काम शुरू नहीं किया था। तो कराची से फिर मूव कब हुए और कहाँ, आजकल कहाँ हैं? अच्छा, ऐसा है कि कराची से तो मैं अफ्रीका में जिम्बाब्वे में रहता था, हरारे, वहाँ मुंतकिल हो गया था, और फिर मैं यूके चला गया 2000 में मेरा निकाह हुआ, 2001 में मेरी रुखसती हुई, तो फिर मैं वहाँ रहा, फिर 2004 में वापस आया कराची, और मेरी वालदा बीमार थी, उनके साथ रहा, 2008 में उनका इंतकाल हो गया, तो फिर मैं मुस्तकिल अब यूके लंदन में रहता हूँ। सही। आपकी जो वजह शोहरत है, और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन एक ख़ास जो है वो सोशल मीडिया पे आपका जो हमारी तारीख के साथ जो तारीख का तारुफ आपने पेश किया है हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे मुखातब करके, वो एक बहुत बड़ा आपका तारुफ है, व्लॉगिंग। तो ये जो व्लॉगिंग का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ और अब तक आप दुनिया के कितने ममालिक के सफ़र कर चुके हैं? अच्छा, पहले तो अब्दुल वदूद एक बात बताऊँ मैं आपको कि आजकल लोग सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो उसको टूल बनाते हैं जी, और सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपके अंदर अगर कोई भी सलाहियत है किसी किस्म की, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो लोगों की कोशिश होती है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आए, लेकिन मैं जो है लास्ट 14 ईयर्स से मेरी जो शुरू है, अच्छा, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, मैं यूके के अंदर मैंने प्रोग्राम जो शुरू किया जब ARY बना, तो जैसे ही ARY बना उस पर मैंने शो करना शुरू किया, QTV पे शो करना शुरू किया, फिर उसके बाद एक चैनल है इकरा, उस पर कई साल तक करता रहा। अभी लास्ट 5 ईयर्स से मैं इस्लाम चैनल है यूके का, उसमें शो करता हूँ, और सोशल मीडिया एक मेरा मेन वो नहीं है, अच्छा। ये एक साइड में एक शौक है और उसके साथ एक लिंक हो गया। मुझे नहीं पता था ये, तो मैं जब पाकिस्तान आया हूँ, क्योंकि देखें यूके यूरोप में तो लोग मुझे टीवी की वजह से पहचानते हैं, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से पहचानते हैं। तो जब पाकिस्तान अब आना हुआ, ख़ास तौर पे इस दफ़ा, तो एयरपोर्ट पे, हर जगह, मस्जिदों में, बाज़ारों में, कहीं भी जा रहा हूँ, तो काफ़ी तारुफ हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा जो है वो आपकी मेन तारुफ आपका ये हो गया, खासतौर पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा सवाल ये था कि कितने ममालिक का ऑलमोस्ट जो है, मैं लास्ट टाइम हम बैठ के काउंट कर रहा था, मैं तो 47 मुल्क में देख चुका हूँ उस वक्त। और जिस ज़माने में ट्रैवलिंग शुरू की, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस ज़माने में भी सोशल मीडिया होता
तो बहुत सारी चीजें मैं कवर कर चुका होता। ऐसे ही है। तो ये शौक ऐसा हुआ कि पर्सनली मुझे खुद शौक है। मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखें, तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आपका जलसा, कि आप किसके साथ बैठते हैं, आपका हल्का क्या है, और फिर दूसरी चीज़ होती है कि आपका रिहला, कि आप जो है वो कि ट्रैवलिंग किसके साथ। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है दुनिया के अंदर, इंसान वो चीज़ किताब से नहीं सीखता और वो चीज़ जो है वो ट्रैवलिंग से सीखता है। तो जलसा कैसे लोगों में बैठते हैं, हल्का किस आलिम की सोबत में आपका हल्का लगता है, और तीसरी चीज़ जो रहला है, ये बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल। और ये मेरा नहीं बल्कि हम सब जो भाई हैं माशाल्लाह, हम सब भाई हर वक्त किसी न किसी मुल्क में होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं आफ्ताब जहांगीर साहब माशाल्लाह, वो MNA हैं, तो असल में तो ये उनको देख के वो हमारा रोल मॉडल है। अच्छा। क्योंकि वो उस ज़माने में ट्रैवल करते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, जब तसव्वुर भी नहीं था, 1980s की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने उनको देख के, और ये जितना भी आपको विजन नज़र आता है ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग का इसका, तो ये उनका शौक़ था। सही। फिर उनसे हमने इंस्पिरेशन ली, फिर अल्लाह ताला ने फिर डाल दिया। अब मैं यानी हर महीने जब तक एक दो मुल्कों में ट्रैवल ना करूँ तो शायद मैं फिर डिप्रेशन में चला जाता हूँ। सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस ये जो सफ़र आपने शुरू किए, ये जो वी लॉगिंग का सिलसिला स्पेशली, इसमें मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ कि पर्पस क्या है, कोई विजन है इसके पीछे? अच्छा, विजन ये है, पहले तो देखें, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा जो यूथ, हमारी यूथ है यहाँ UK में भी, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, वो ख़ास एक डिप्रेशन का शिकार है, वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है। उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम लोग ऐसी थे, अनसिविलाइज लोग थे, हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है। तो फिर मुझे हुआ कि यार, दुनिया के अंदर जो तरक्की है, सिविलाइजेशन है, इसमें मुसलमानों का एक बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ किरदार ही उन्हीं का है। तो मैं जब भी किसी जगह जाता था, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस्लाम को यानी जहाँ पे भी कोई इस्लामी लिंक है मुसलमानों का, कहीं पे भी देखें ना, माल्टा दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, और वो मुल्क जिसकी एयरलाइन जो है वो PIA ने डेवलप की एयर माल्टा को, और जो वाहिद मुल्क है कि जहाँ जिसकी जबान 90% जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, जो अरबी समझता है, पढ़ता है, जिसको अरबी आती, तो जब वो वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा ये सारे अरबी बोलते हैं जी। तो जब मुझे ये बात पता चली, और वहाँ पे 400 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, और असल में तारुफ तो हर आलिम दीन का होगा कि शेखुल हिंद जब असीरे माल्टा हुए, तो तारुफ तो हर कोई आलिम ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि जी उसको माल्टा का इल्म ना हो। तो मुझे भी शौक था, तो वहाँ पे क्या इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, और क्या वो अरबी क्यों लैंग्वेज है, ऐसे तो ये सब चीज़ें कर होते हुए फिर मैं यानी मेरा ये है कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ। जैसे अभी एक मुल्क है दुनिया के अंदर, सुलेमानिया, कुर्दिस्तान का कैपिटल है सुलेमानिया, मेरे बड़े दोस्त हैं कुर्दिश, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को कुर्दों का नहीं पता कि कुर्द कौन है। उनका जो मुल्क है कुर्दिस्तान, जो सुलेमानिया है कैपिटल, वहाँ कोई लोग किसी को भी नहीं पता। कहते हैं हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं अच्छा, दुनिया में कोई मुल्क है, और उस पर अभी इराक का कब्ज़ा है, और वो लोग अभी इंडिपेंडेंट रेफरेंडम हुआ था जिसमें वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी अमेरिका और बहुत रिच मुल्क है। तो वो मुझे बहुत कहते हैं कि आप हमारे साथ सुलेमानिया चलें और दिखाएं कि इस्लाम मुसलमान यहाँ भी रहते हैं। सही। तो इस तरह से मेरा एक शौक है, ये शौक है। और फिर उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि मुसलमान जो है वो अपनी हिस्ट्री से, माजी से बिल्कुल वो लिंक कर रहे हैं। तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके फोर फादर्स कौन थे और उनका क्या बैकग्राउंड था, तो फिर आप आगे मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी आपको ऐसे ही लगेगा कि मायूस। जी बिल्कुल, हमारा तो एक रोशन माजी है ऑफकोर्स। बहुत शुक्रिया जी। मस्जिद एक्सा के हवाले से आपकी एक वीडियो बहुत वायरल है, और लोगों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तगर में बात करूँ, परसेप्शन यही है, लोग ये समझते हैं कि मस्जिद एक्सा जाना ये तो एक नामुमकिन ख्वाब है गोया के। तो आप कैसे ये मुमकिन हुआ ये सफ़र, और क्या ये एक ही दफ़ा हुआ, और पाकिस्तान से अगर कोई आपके साथ रब्ता करके वहाँ के लिए ट्रैवल करना चाहता है, कोई दिलचस्पी रखता है, तो क्या उसके लिए ये मुमकिन है? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर पर आप भी माशाल्लाह मदरसे के फारिग हैं, जब भी हम पढ़ते हैं किताबों में, शुरू से जब से कुरान हिफ्ज़ करना शुरू करते हैं, मेराज का वाकया पढ़ते हैं, और इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है, जो इसरा और मेराज का, बिल्कुल, तो वो तो हर मुसलमान ने सुना हुआ है, हर मुसलमान को पता है कि जी हुजूर का एक सफ़र हुआ था।
तो शौक तो फिर जाहिर सी बात है कि हर एक मुसलमान में तो है ना कि भाई वो मस्जिद जहाँ पर दो रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। अब मैं उसके फजाइल नहीं बयान करूँगा ताकि टाइम कम है और ज़्यादा वक्त ना लगे उस पर। तो मुझे भी शौक था सही, और मेरा भी था कि यार मैंने एक दिन मस्जिद अक्सा जाना है। और तो फिर मैं यूके जब सेटल हो गया, और ब्रिटिश नेशनैलिटी लेने का मकसद भी यही था। अच्छा। क्योंकि हम ब्रिटिश पासपोर्ट पे, वो मुल्क जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे इसराइली यूके में आ सकते हैं, इसी तरह से ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इसराइल जा सकते हैं। ठीक। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैंने, लोग जाते थे जॉर्डन से, सही, शाह हुसैन ब्रिज को क्रॉस करके जॉर्डन जाते थे, जॉर्डन से जाते थे। ठीक है। तो वो एक लंबा रास्ता है, तो मैंने एक शॉर्टकट, मैं कहा डायरेक्ट तल अवीव जाया जाता है, जाएं वहीं पे जाते हैं, वहीं से चले जाएंगे, 40 मिनट की ड्राइव पे मस्जिद अक्सा है। सही। तो बस गए, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 18 टाइम मैं जा चुका हूँ। अच्छा, 18 और 1000 से ज्यादा लोगों को दिखा भी चुका हूँ जो मस्जिद अक्सा मेरी आंखों से मेरे साथ देखना चाहते हैं, माशाल्लाह। तो मैं अगला, उसके लिए यही है कि मैं, अगर देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, और जज्बातियत होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हालत जंग भी हो ना, दो मुल्कों के दरमियान जंगें भी हो रही हों, तो कुछ ना कुछ मुआहदात होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी भी उसूल होते हैं ना। तो अगरचे हम, हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, और ये उसूली मौक़िफ़ है हर मुसलमान का होना चाहिए, और मैं भी इस पर ही कायम हूँ। ठीक। और बाकी ये मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए कोई एक ऐसा रास्ता ज़रूर होना चाहिए कि जिससे वो वहाँ जाएं और कम से कम दो रकात नमाज मस्जिद अक्सा में जाके पढ़ सकें, चाहे हम उस मुल्क को एक्सेप्ट करें ना करें। हमारा उस पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है, हमारा मस्जिद अक्सा से तो एक ताल्लुक है ना। तो हज़ारों लाखों उलमा दुनिया से तशरीफ ले गए इस ख्वाब को लेते हुए कि एक दिन वो भी जाएंगे और मस्जिद अक्सा में दो रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल हो कि ऐसा होना चाहिए। सही। पाकिस्तान के कोई लोग आपसे राबता करें तो मुमकिन है उनके लिए? हाँ, उनके पास अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट हो, अमेरिकन पासपोर्ट हो, और फॉरेन नेशनलिटी हो, टर्किश पासपोर्ट हो, और तो वो फिर जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मुख्तसर टाइम था उनके पास, तो मुख्तसर ही बात हुई है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मज़ीद मुलाकात और मौका रहेगा, उनसे मज़ीद भी कुछ सीखने और सुनने का सिलसिला रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, अगले कुछ सिलसिलों में आपसे मुलाकात करते हैं, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए हमें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।